लाभ और हानि आज का हम लोग का यही टॉपिक है कि कैसे लाभ और हानि के पर आधारित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। एकदम बेसिक लेवल से सीखेंगे, जीरो से और अंत लेवल तक जाएंगे और बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चन बनाएंगे। इसको जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि आखिर भाई ये जो क्रय मूल्य है वो क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो जिस दाम पे या जिस मूल्य पे कोई वस्तु को खरीदा जाता है ना, उसी को कहा जाता है क्रय मूल्य। जैसे अगर दुकानदार हैं और हम 400 रुपया की कोई वस्तु को खरीद लिए हैं और उसको खरीद कर 500 रुपया में बेच देते हैं, तो क्रय मूल्य हो गया 400 और विक्रय मूल्य हो गया 500। विक्रय मूल्य का परिभाषा क्या बन जाता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेची जाए ना, उसी को कहते हैं क्या? विक्रय मूल्य। अब बात आती है कि लाभ कब होगा। तो लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, मतलब कि कम में खरीद कर ज्यादा में बेचिएगा तो लाभ होगा। सब लोग जानता है कि ज्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा? लाभ है। जितना में खरीदे हैं उकरा से बढ़ाकर अगर हम रेट बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? हमको लाभ होगा। तो इसीलिए कहा गया कि विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? लाभ। तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होगा? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो लाभ बराबर हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और जब जब विक्रय मूल्य कम होगा, मतलब कि खरीदे हैं ज्यादा में और उसे कम दाम में कोई सामान को हम बेच दिए, तो हमको क्या होगा? हानि होगा। मतलब कि जब विक्रय मूल्य कम होगा तो क्या होगा? हानि होगा। हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब जितना में खरीदे हैं उतना में से जितना बेचे हैं उसको घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है? हानि। अब बात आती है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत मतलब कितना प्रतिशत लाभ हुआ और कितना प्रतिशत हानि हुआ, उसी को कहते हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहले आपको लाभ निकालना पड़ेगा और लाभ बराबर जानवे करते हैं क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो निकाल लीजिएगा लाभ। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो गया लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर हो गया हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ये दो फॉर्मूला पे ही हम लोग लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसा होगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक दुकानदार है, वो दुकानदार क्या करता है, 8,050 रुपया में फल को खरीदता है और उसको बेचता है 10,050 रुपया में। तो दुकानदार को कितना लाभ होगा, हानि होगा। तो कोई बच्चा को भी अगर बताएंगे कि 8,050 रुपया में खरीदा है और 10,000 में बेचा है, 10,050 रुपया बेचा है माने कम में खरीद के ज्यादा में बेचा है, तो उसको क्या हुआ होगा? लाभ हुआ है। तो लाभ पहले निकाल लेंगे और फिर देखेंगे, लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, हानि होता तो हानि प्रतिशत निकाल लेते। तो पहले यहाँ पे हम लिखेंगे क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो दिया है क्या क्या चीज दिया है, पहले उसको लिख लीजिए आप। तो दिया है क्या चीज दिया है यहाँ पे, क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य है आपके पास राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों। आप बच्चा पढ़ के आना, कर्मवीर बनो, पढ़ के आओ तो जाके भी लोक में घूमना। तो क्रय मूल्य कितना कितना में खरीदा है, तो 8,050 रुपया में खरीदा है और कितना में बेचा है, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को बोलते हैं बी मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, 10,050 रुपया, 10,050 रुपया है ना, इतना बेच दिया। तो विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ हुआ है, क्या हुआ है? लाभ। और लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर जानते हैं ना क्या होता है, क्या होता है? चूंकि लाभ बराबर होता है क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, कितना है बेचा है, 10,050 रुपया में बेचा है और कितना में खरीदा था, 8,050 रुपया में, सोकर 2,000 रुपया उसको लाभ हो गया, सुखले सुखले 2,000 रुपया लाभ हो गया। तो लाभ हुआ है तो कथी निकालेंगे, लाभ प्रतिशत की हानि प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर हम जानते हैं कि चूंकि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर जो फॉर्मूला होता है लिख लेंगे क्या होता है, तो लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य है ना। तो लाभ कितना है, 2,000 आ गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 8,050 से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे।
तो अब हम लोग काटेंगे इसको, जैसे जैसे कटेगा काटेंगे, पाँच से काटेंगे, पाँच दूना दस, पाँच से इसको काटेंगे, सोलह और ये कितना पैसे आता है, नहीं सत्रह पचास, हाँ सोलह पचासी, अरे सोलह से काट दिए, हो गया और कटेगा, हाँ ये कटे जाएगा आठ। अब 2000 में क्या कीजिएगा, आए अच्छा अच्छा हाँ पाँच का ही पाँचों ना कटेगा, एक सौ इकसठ हो जाएगा। 2000 में कितना से भाग कीजिएगा, एक सौ भाग कर दीजिएगा, जितना आएगा उतना प्रतिशत लाभ हो गया, नहीं कादू से काटे नहीं है इसको, कैसे कैसे काटे रुक जाइए, हमको थोड़ा मिस्टेक हो गया काटने में, फिर से लिखते हैं। लाभ कितना, लाभ 2000 और 100 अब बटा क्रयमूल कितना है 50, तो आप 0 से 0 पहले काट दिए, काट दिए कि 10 हो गया ना, तो 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 यहाँ पे हो गया, अरे भैया 5 से काटेंगे 2 ही ना होगा, हाँ 2 हो गया, और इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 161। अब क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे इसको, नहीं तो 200 से गुना कर, हाँ 4000 हो जाएगा, अब बटा में कितना हो जाएगा, हाँ तो इतना प्रतिशत लाभ हो गया उसको, ठीक है ना, ठीक है लाभ प्रतिशत। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन क्या देखिए कि एक फल विक्रेता है जो 15 रुपये दर्जन के हिसाब से 20 दर्जन केला खरीदता है, 200 दर्जन, कितना दर्जन 200 दर्जन केला खरीद के बेचता है कितना 2500 में, तो फल विक्रेता को लाभ हुआ कि हानि ये निकालना है, तो पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो क्रय मूल्य कितना हुआ तो लिखेंगे, चूंकि पहले लिख देंगे यहाँ पे हल, हल तो लिखना हर चाहिए, हर क्वेश्चन में हल लिखना चाहिए, हल लिखेंगे एक दर्जन, क्या एक दर्जन केले का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है बताइए, एक दर्जन केला कितना में खरीदता है, 15 रुपया में, तो कितना दर्जन केला खरीदता है वो, तो खड़ा करे बुआ उसको नहीं पड़ रहा है, खड़ा हाँ खड़े रहो तुम वैसा ही रहो तुम, तो एक दर्जन केला का दाम कितना हो गया 15 रुपया, तो कितना दर्जन केला खरीदा है 200 दर्जन केला खरीद रहा है, उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15 × 2000 200, यानी कि 3000 रुपया का केला खरीदा है, कितना के 3000, और बेचा कितना है पूरा केला को, यानी कि 200 केले का विक्रय मूल्य तथा 200 केले का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना में बेचा है उसको, पूरा केला को 2500 में बेच दिया, बुर्वक है, हिसाब जोड़ा नहीं सीधे वो बेच दिया, तो आप देखिए बेच खरीदा कितना में, अब बेचा कितना में है, तो कम में बेचा है तो लाभ हुआ कि हानि, तो हम हानि प्रतिशत निकाल लेंगे, यहाँ पे हानि निकालेंगे पहले, इसीलिए हानि बराबर चूंकि हानि बराबर कितना होता है क्रय मूल माइनस विक्रय मूल होता है ना फॉर्मूला, यही फॉर्मूला होता है हानि बराबर, तो हानि क्रय मूल कितना में खरीदा है आ कितना में बेच दिया है 2500 में बेच दिया है, तो कितना हानि हो गया उसको 500 रुपया उसको हानि हो गया, तो हानि प्रतिशत निकालना है हमको, तो हानि प्रतिशत बराबर तो हम जानते हैं, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर हम जानते हैं, वो फॉर्मूला लिख देंगे, चूंकि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, तो इसमें हम रख देंगे हानि कितना हुआ है 500 आ गुणे 100 तो फॉर्मूले में है, आ क्रय मूल्य कितना था, कितना में खरीदा था उसको 3000 में खरीद लिया था, तो 0000000 कट गया, अब है कितना गया 50/3 प्रतिशत हो गया, इतना प्रतिशत उसको क्या हुआ है हानि, ठीक, कोनो दिक्कत है कोनो सवाल है बोलिए।